भगवान महावीर के परिनिर्वाण को 2500 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। 2500 वर्ष के दीर्घ काल में जैन गगन में भले ही किसी सहस्त्र रश्मि सूर्य का उदय नहीं हो सका, पर यह सत्य है कि युग युग में अनेक ज्योतिष्मान नक्षत्र उदय होकर अंधकार को ललकारते रहे हैं। अपने प्रभामंडल से आलोक रश्मियां बिखेरकर विश्वयात्री का पथ दर्शन तो करते ही रहे हैं। इन ज्योतिष्मान नक्षत्रों के प्रभापुंज से जैन गगन का ही क्या, समस्त धार्मिक जगत का अंधकार छंटता रहा है। आज से वर्ष पूर्व राजस्थान के नागौर जिले के छोटे से गांव कीतलसर में ऐसा ही ज्योतिष्मान दिव्य नक्षत्र माली जाति के हिंदू परिवार में अवतरित हुआ, जिसने अपनी आलोक रश्मियां बिखेर कर दूर दूर क्षितिज तक का अंधकार मिटाया। अज्ञानमय अंधविश्वास और रूढ़ियों के घने कोहरे में डूबे मानव समूह को प्रकाश का पक्ष दिखाया, जागरण का संदेश सुनाया और गतिशीलता का मंत्र देकर उसे प्रगति पथ पर बढ़ जाने को प्रोत्साहित किया। वह महान श्रवण नक्षत्र था पूज्य प्रवर्तक श्री पन्नालाल जी मारा साहब। उनकी सत्यनिष्ठा, संयम वृत्ति और निर्भीकता अद्वितीय थी। इन्हीं शक्तियों ने तो उनको एक सामान्य भूमिका से महाश्रमण के शिखर पर पहुंचाया और नानक वंश प्राग्य संप्रदाय के नाम से संज्ञेय होने लगा। नानक वंश के सप्तम आचार्य श्री सोहन लाल जी मारा साहब आशु कवि, प्रभावक प्रवचनकार, स्वतंत्र विचारक, निर्भीक वक्ता, तत्वज्ञानी और संयम के धनी थे। संयम ग्रहण करने से पूर्व आप स्थानक वासी समाज के प्रथम स्वाध्यायी बने और उसके बाद स्वाध्याय प्रवृत्ति के प्रचार प्रसार में सफलता पाई। आध्यात्मिक अनुभूतियों, सामाजिक जीवन यथार्थ के निकटता से अवलोकन एवं भाव प्रवणता के फलस्वरूप आपका कवित्व जाग उठा और विविध राग रागिनियों में 500 से अधिक चरित्र काव्यों की रचना कर साहित्य सृजन के क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित किया। संघ विस्तार, संवर्धन एवं संरक्षण में सदैव रत रहे। संयम जीवन एवं समाचारी में आपका कठोर अनुशासन था। ऐसे कीर्ति का जन्म शताब्दी वर्ष संपूर्ण भारत भर में तपो त्याग पूर्वक मनाया जा रहा है। आइए अब हम आपको रूबरू करवाते हैं नानक वंश के अष्टम आचार्य सुदर्शन लाल जी मारा साहब के व्यक्तित्व एवं कृतित्व से। राजस्थान के भीलवाड़ा जिले की हुरड़ा तहसील का एक छोटा सा गांव है टोकरवाड़। कहने को तो मात्र निवास करते हैं, किंतु राजा महाराजाओं के समय से टोकरवाड़ ठिकाने का विशेष महत्व रहा है। 31 दिसंबर 1972 का दिन इस गांव के लिए एक नई सुबह लेकर आया। इसी दिन टोकरवाड़ की धरती पर जन्म हुआ दिव्य शिशु का। माता भंवरी देवी और पिता उत्सव राज ही नहीं अपितु सारे ग्राम में आनंद का वातावरण छा गया। पोष बदी दशमी को प्रभु पार्श ने जन्म लेकर ऐतिहासिकता प्रदान की थी। 31 दिसंबर 1972 के इस दिन भी पोष बदी
दसवीं ही थी। इस बालक का नामकरण करने की आवश्यकता नहीं थी, यह तो स्वयं ही अपना नाम साथ लेकर आया था। प्रभु पार्श की स्मृति में सभी उसे पारस के नाम से पुकारने लगे। पारस वो जो लोहे को सोना बना दे। पिता उत्सवराज व्यवसायिक सिलसिले में परिवार सहित विजयनगर आ गए। बालक पारस भी यहीं के विद्यालय में अध्ययन करने लगा। अध्ययन के साथ ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखाओं में जाने का क्रम बन गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में सक्रियता इतनी बढ़ी कि प्रचारक बनने का निश्चय कर लिया, पर विधि को तो कुछ और ही मंजूर था। इसी बीच विजयनगर में आचार्य प्रवर पूज्य गुरुदेव श्री सोहन लाल जी महाराज साहब एवं प्रवचन प्रभाकर श्री वल्लभ मुनि जी का पदार्पण हुआ। माँ भंवरी देवी के साथ बालक पारस के प्रतिदिन दर्शनार्थ जाने का क्रम बन गया। गुरु की दृष्टि बालक पारस पर पड़ी तो उसमें छुपी अपार संभावनाओं को परख लिया आचार्य सोहन ने। पारस में किस तरह वैराग्य के बीज अंकुरित हुए, सुनते हैं उनके माता पिता की जुबानी। दीक्षा की भावना जगने का कारण तो मतलब कोई ऐसा था भी नहीं। ये पढ़ाई के लिए जाते, पढ़ने के लिए जाते, स्थान में जाकर के मार्शल के पास बैठ जाते, स्कूल का टाइम पूरा होता आ जाते। जब मतलब वापस ये आते तो वो पूछा कि स्कूल गए चुके जाके आए, जो हम मैं तो दुकान रहता सारे दिन भर, कोई ध्यान ही नहीं कभी क्या कर रहे हैं। बाद में मालूम पड़ेगा महेंद्र मुनि ने मतलब किसी व्यक्ति को कहा कि ये बच्चे जो आगे पीछे ये बच्चा दीक्षा लेगा, ये मतलब उनके मुँह से शब्द निकले। जब जाकर के मतलब फिर इनकी जानकारी ली तो ये स्थान पर जाकर के बैठ जाते वापस, मतलब स्कूल नहीं गया। आपको मालूम नहीं था? हाँ, इस चीज़ का वहाँ कोई जानकारी नहीं थी। बाद में जब वापस पढ़ाई में लग गए, महाराज साहब वहाँ से बिहार कर दिया स्थानक से, पढ़ाई में लग गए। ये तो मतलब बीच में ये जाते थे महाराज साहब के पास, जब उनको ले जाते थे मतलब एक दफे वही रुक गए, वो रुक गए तो बिहार में तीन दफे लेने के लिए मैं गया था कभी वापस लेके आऊँ, तो मुझे देख कर के छुप जाते माँ और पारस दोनों वहाँ छुप जाते थे। सारे दिन भर परेशान होकर के मासे का भी वो तो नाव हाल दे था हो जाता नाव बाद में आ जाए, तो मैं उठू वापस जबान और बीच लग रहा तो बाद में मैं उनको समझाती और समझ जाते, वो ऐसे अच्छे हो जाते एकदम, और स्कूल भी जाते। और जब मैं उनको मारा साहब के वहाँ जाते करते तो मैं उनको वो जो भी चीज़ लेके आते वो सब दे देते थे। तो मैंने उनसे कहा कि देखो आप जो भी चीज़ है सब छोटा सब ने दे दो, तो उन्होंने कहा कि मैं देखो मम्मी जब बड़े बनते हैं ना तो बड़े बनने के लिए सब त्याग करना पड़ता है और छोटों को देना पड़ता है, जब हम छोटे को देंगे ना तब हमारे को मिलेगा और वो बड़े बनेंगे। ऐसे ही वो सबसे बड़े थे भाइयों में, तो जो भी चीज़ थी वो सब भाइयों को बांट देते थे और फिर अपने पास थोड़ा सा बचता उसको काम में ले लेते थे, चाहे वो पढ़ने लिखने की चीज़ हो, चाहे वो स्कूल के में खाने की चीज़ हो या कोई भी चीज़ हो, लेकिन वो सबको बांट करके फिर खाते थे। उन और चारों भाइयों में उस समय इतना प्रेम था कि जैसे राम लक्ष्मण के जो चारों भाई होते हैं ना, चारों भाई थे, इतना प्रेम था चारों भाइयों में, एक जो करता वो सब भाई करते थे। और इतने अच्छे मतलब सरल स्वभावी थे वो कि बस, और जब थोड़ी सी शैतानी करते तो मैं डांटती तो डांटते वो एकदम चुप हो जाते और वहाँ से निकल करके दूर बैठ जाते। मेरे नाना साहब चल गए थे तो जब ये डेढ़ पुनी दो साल के थे तब मैं ननिहाल गई थी, और उस समय बसें नहीं चलती थी, गाड़ियों में जाते आते थे, तो मैं गाड़ी में वापस आते समय मेरे दादा साहब भी मेरे साथ में थे और मैं भी थी, और ये छोटा था डेढ़ पुने दो साल का, जैसे हनुमान जैसे मतलब अच्छा था। तो हम चार पांच सात जने बैठे थे, तो जब ये सबके गोद में जाता खेल रहा था ऐसा, खेलते खेलते फिर मेरे पास में आया और एक बार फिर उसी समय दादा साहब ने कहा कि ये बच्चा बहुत होनहार है और एक दिन अगर ये बच जाएगा ये संसार में रहेगा तो ये नाम कमाएगा। तो मेरे को भी एक ऐसा लगा कि दादा साहब इनको देख करके कैसे कह रहे हैं, तो मैंने दादा से पूछा कि बादशाह आप क्या कह रहे हो, आपने क्या मालूम पड़ी कभी ये होनार बच्चे हो ये है,
तो उन्होंने कहा कि देख इको लाड देख कितो चमक चमक कर रही है, इको चेहरो देख हनुमान जैसो, और खेलवा में देख किसो खेल रहे हनुमान की जैसो, मारी नजर लाग जाए ना, लेकिन ये बच्चे बहुत होनहार है और एक दिन जार और नाम कमाए। तो उस समय तो मैं भूल गई थी कि भी क्या क्या सुना हो गया, लेकिन जब इन्होंने दीक्षा ली और दीक्षा ली करके आगे बढ़े और जब आचार्य पद मिला, जब मेरे को ऐसा महसूस हुआ कि वास्तव में दादा से ने जो कहा, मेरे बासा ने जो कहा वो बात वास्तव में सही है और आज ये नाम कमा रहे हैं। उसी के दिन बालक पारस और उनके साथ एक अन्य बालक माणक ने आचार्य सोहन लाल जी महाराज साहब के मुखारविंद से भागवती दीक्षा ग्रहण की। यूं भी पारस और माणक का वैराग्य काल साथ साथ ही बीता था, दोनों की ज्ञानार्जन में गहरी रुचि थी, लोग इन्हें राम लखन की जोड़ी कहा करते थे। दीक्षा के बाद पारस मुनि सुदर्शन और माणक मुनि प्रियदर्शन के नाम से जाने जाने लगे। आइए आपको ले चलते हैं दीक्षा महोत्सव में। संयम ग्रहण तो शुरुआत है साधना की। अल्प समय में ही मुनि सुदर्शन ने न्याय, आगम, व्याकरण और साहित्य का अध्ययन कर विद्वता हासिल कर ली। समय अपनी गति से आगे बढ़ रहा था, तभी 19 जनवरी 1998 की रात्रि हमेशा से कुछ अधिक ही अंधकार लेकर आई। रात्रि को 2:32 पर आचार्य सोहनलाल जी महाराज चीर निद्रा में विलीन हो गए। 6 पूर्व प्रवचन प्रभाकर वल्लभ मुनि का देवलोक गमन और अब आचार्य सोहन का स्वर्गारोहण, संघ का सारा भार आ पड़ा मुनि सुदर्शन पर। आचार्य प्रवर सोहन लाल जी महाराज के अंतिम संदेश के अनुसार मुनि सुदर्शन बन गए आचार्य सुदर्शन। आचार्य सुदर्शन युवा दृष्टा, क्रांतिकारी विचारक, जीवन सर्जक, आचार निष्ठ संत हैं, जिनके प्रति लोह चुंबकत्व आकर्षण के समान युवा वर्ग आकर्षित रहता है। आपने अपने प्रवचनों में जीवन को समग्रता से समझने की कला सिखाई है, जिसको युवकों ने आत्मसात किया है। आचार्य सुदर्शन लाल जी महाराज समझोड़ा है। मैं 45 वर्ष तक स्तन भी नहीं गया था,
उसके बाद में गुलाबपुर चौमा से था, उस टाइम आचार्य से मेरे को वहाँ से बुलवाया, वहाँ बुलाया कि मेरे को कहा गया था आप जुड़ो संघ से, तो मेरे को प्रागिया मंडल प्राग्य जैन युवा मंडल का अध्यक्ष बनाया गया फर्स्ट बार में जोड़ के ही शुरू से, और उससे ही जोड़ा गया, उससे ही मैं आज तक जुड़ा हूँ संघ से, और आज आचार्य से की मेहरबानी से मेरे को बहुत ऊपर बढ़ा दिया और धर्म से बहुत जुड़ गया हूँ मैं। युवक ही क्या, जो कोई भी आपके संपर्क में आता है बस आपका ही होकर रह जाता है। दिल्ली वासियों के लिए 2008 आचार्य प्रवर का चतुर्मास धर्म क्रांति सिद्ध हुआ। क्या युवा, क्या बच्चे और क्या वृद्ध, सभी का जीवन ही बदल गया। जो कभी धर्म स्थान नहीं गया था आज आध्यात्म के सरोवर में गोते लगा रहा है। यह चमत्कार है आपके व्यक्तित्व का, आपकी साधना का, आपके कोमल स्वभाव का और आपकी आत्मीयता का। चलो, 4 साल पहले हम अपनी ही दुनिया में मस्त थे, 2008 के दिल्ली चातुर्मास में आचार्य श्री एवं अन्य संतों का सानिध्य हमें प्राप्त हुआ, हमारा जीवन ही बदल गया। हमारे समाज से जुड़ने की इच्छा पैदा हुई, समाज में सब लोगों से परिचय हुआ और आचार्य श्री के स्नेह और दिशा निर्देश से हम समाज से जुड़ने में सफल रहे। आचार्य श्री को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, और आचार्य श्री का चारित्र और चमक पूरे देश में फैले ऐसी हम सबकी भावना। आचार्य श्री आप जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000, आपको आपके जन्मदिन की ढेरों बधाइयाँ और ढेर सारी शुभकामनाएं। आचार्य श्री मेरे और मेरे परिवार के लिए सूर्य की उस पहली किरण की तरह है, जिनके आते ही हमारी ज़िंदगी में उजाला ही उजाला हो गया और खुशियों के ढेरों रंग हमारी ज़िंदगी में बिखेर दिए। कुछ समय पहले से मेरा संघ और साधु संतों के प्रति कोई लगाव ही नहीं था, पर 2008 का चातुर्मास आचार्य श्री का पधारना हुआ और मेरी ज़िंदगी ही बदल दी। तो अब मुझे मेरे प्राज्ञ परिवार के अलावा कुछ अच्छा ही नहीं लगता है। मैं चाहती हूँ मेरा प्राज्ञ परिवार दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति करे, आसमान की ऊंचाइयाँ छुएं, यही मेरी दिली इच्छा है। आचार्य सुदर्शन के व्यक्तित्व में अतीत का वैभव, वर्तमान का अनुभव और भविष्य की निर्भांत कल्पना अपूर्व रूप से साकार हो उठी है। उनके चिंतन में विभेद नहीं साम्य है, दुराव नहीं सरलता है और युगानुरूप आचरण के पालन की प्रेरणा है। आचार्य श्री ने छोटी उम्र के अंदर ही है, आगे बहुत बड़े हैं और बढ़ते जाएंगे। हम भगवान से ही प्रार्थना करते हैं कि वो आगे से आगे बढ़ते रहें और है इस नाम को और ऊंचा चलाते रहें। आचार्य श्री छोटी उम्र में आचार्य पद का पद ग्रहण कर पूरे भारतवर्ष में नानक वंश का नाम फैलाया है और प्राज्ञ संप्रदाय का नाम भी आपने बहुत बढ़ाया है। यह मेरी कामना है कि आप इसको और आगे बढ़ाएं। मेरी इनके प्रति बहुत शुभकामना है और मैं ये चाहूँगा कि प्रभु इनको रात दिन दिन दुगनी चार चौगुनी तरक्की दे और आगे बढ़े और समाज में ही नहीं, अपने समाज में ही नहीं, जैन समाज में ही नहीं, पंथ में ही नहीं, सारे हिंदुस्तान में इनका नाम हो, ऐसी मैं शुभकामना करता हूँ। आचार्य श्री हमारे परिवार पर बहुत ही मेहरबानी रही। गुरु के स्मरण मात्र से ही मेरे सारी बड़े से बड़े कष्ट दूर हो जाते हैं। इतनी कम उम्र में भी गुणों का जो उच्च स्थान प्राप्त किया है वह अद्वितीय है, अतुलनीय है। सुदर्शन जी महाराज आपकी जय जय हो, सुदर्शन जी महाराज आपकी जय जय हो। गुरुदेव सुदर्शन के प्रति हमारी बहुत श्रद्धा है, अटूट श्रद्धा और बहुत विश्वासजनक है। श्री हैबिट ऑफ डिवाइन काइंड, ही इज अ प्योर जैन सेंट विद एडवांस प्रिंसिपल्स, ही बिलीव्स इन सॉल्विंग कॉमन मैन प्रॉब्लम एंड हैज टाइम फॉर हिम फॉर हुम नोबडी हैज गॉट एनी टाइम दीस डेज। गुरुदेव आपका हर जगह कमाल देखा, जो आया शरण में उसे निहाल देखा। आचार्य श्री सुदर्शन मुनि के पास जब मैं गई तो यथा नाम तथा गुण थे वो,
उनके पास जब मैं पहुंची तो मेरे को बहुत ही आत्मसंतुष्टि हुई। इतनी छोटी अवस्था होने के नाते इतना बड़ा कार्य किया उन्होंने कि उनके लिए मेरे लिए कोई शब्द नहीं है कहने के लिए। हम रात को लगभग 12:15 बजे हम स्वाध्याय भवन में खड़े थे। आचार्य प्रवर सोनलाल जी महाराज साहब अंतिम सांसें ले रहे थे तो हमें बुलाया और उनके मुख से ये निकला कि मेरे जाने के बाद ये पचेवड़ी सुदर्शन को उड़ा दी जाए। सब एकदम चकित हो गए। सोहनलाल जी महाराज साहब ने यह इतने छोटे संत जो उस समय थे उन पे यह इतना बड़ा कार्य कैसे सौंपा और ये कैसे पार उतरेगा। लेकिन गुरुदेव का आशीर्वाद, गद्दी का महत्व वह नानक संप्रदाय की के सभी श्रावकों की समर्पणता से आचार्य श्री ने यह कार्य बहुत ही अपने स्वभाव नम्रता माधुर्यता से ऐसा किया कि यह सब आपके हम सबके सामने है। वर्तमान में जिस तरह से आचार्य प्रवर श्री सुदर्शन जी महाराज साहब ने गुरुदेव श्री सोहनलाल जी महाराज साहब के पश्चात अपनी इस नारक संप्रदाय की बगिया को अपने कुशल संचालन किया और उस संचालन के पश्चात आज न केवल पहले माना जाता था कि ये क्षेत्र प्राग्य क्षेत्र एक छोटा सा क्षेत्र है, लेकिन आज हम कह सकते हैं कि पूरे भारत में इस संप्रदाय की महक को महकाने वाले आचार्य प्रवर ने इतनी संयम साधना और मेहनत की कि आज पूरा भारतवर्ष इस संप्रदाय के प्रति एक अच्छी निगाह से देखता है। पूज्य आचार्य श्री सुदर्शन लाल जी महाराज साहब हमारे प्रेरणा के स्रोत हैं और उनकी दीर्घ दृष्टि और इस क्षेत्र के लिए उनका उनकी जो प्रेरणा है उस प्रेरणा को के अनुसार ही हम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। यही आशीर्वाद चाहता हूँ कि हे गुरुवर, मैं निस्व हूँ, मैं एक किंकर हूँ, केवल मुझे इतना ही आशीष देना कि मैं आपके चरणाश्रित बनकर आपके सानिध्य में रहते हुए अपना जीवन की विकास कर सकूं। आचार्य सुदर्शन के मार्गदर्शन में श्री नानक जैन श्रावक समिति विजयनगर, श्री प्राग्य जैन संघ दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, अहमदाबाद एवं हैदराबाद, श्री प्राग्य जैन मित्र मंडल जयपुर, पाली, ब्यावर, भीलवाड़ा, श्री प्राग्य जैन युवा मंडल, श्री प्राग्य जैन किशोर मंडल, श्री प्राग्य बालिका मंडल, श्री प्राग्य जैन महिला मंडल आदि संस्थाएं देश भर में समाज सेवा, चरित्र निर्माण, शिक्षा प्रसार के क्षेत्र में कार्य कर रही है। श्री प्राग्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल विजयनगर अंग्रेजी माध्यम का विद्यालय है, जहां वाणिज्य और विज्ञान संकाय संचालित हो रहे हैं। संस्कारमय जीवन पद्धति की शिक्षा, उच्च प्रशिक्षित शिक्षक, विश्व स्तरीय प्रयोगशालाएं, साहित्यिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों का संचालन विद्यालय की विशेषताएं हैं।